सब्सक्राइब करें हुंकार 24/7 को, दबाएं इस बेल आइकन को और देखें हमारी वीडियो सबसे पहले। इस समय हम लोग खड़े हैं उसी लोहिया पुल पे, जो लोहिया पुल लगातार एक सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा है, एक एक्सीडेंटल पॉइंट बनता जा रहा है। जी हां, गत हफ्ते की बात है, यहां सोनी कुमारी नाम की एक 16-17 साल की लड़की जो है ठीक इस पुल के नीचे यहां से गिरी है। ये पुल इतना खतरनाक हो चुका है, जहां आए दिन रोज ना रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। अभी 15 दिन पहले की बात करें तो मदनपुर खादर से एक महिला गिरी थी, महिला की लाश यहां 5 दिन बाद जाके बरामद हो सकी थी, जबकि सोनी कुमारी को मरे हुए कम से कम 10 दिन हो गए हैं और अभी तक उसकी लाश बरामद नहीं हो पाई है। जी हां, आपको बता दें कि इस बात को लेकर के डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से परिवार वालों को, पीड़ित परिवार को कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते आज पीड़ित परिवार ने यहां पे चक्का जाम करने की कोशिश की, रास्ता जाम करने की कोशिश की, जिसको लेकर के यहां पे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। और यह हंगामा लगातार यहां मीठापुर पुलिस चौकी के तरफ से फोर्स आई, जयपुर थाने की फोर्स आई है, हालांकि रास्ता खाली करा दिया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ अभी तक कोई इंसाफ नहीं हो पाया है। पीड़ित परिवार के साथ क्या कुछ हुआ है, अभी इनसे बात करेंगे और देखते हैं आगे क्या कहना है इनका और क्या कहना है प्रशासन का। ये बैरिकेड जो आप देख रहे हैं, ये बैरिकेड पीड़ित परिवार के लोगों ने आज सुबह यहाँ पे लगा दी थी और लोहिया पुल को जाम करने की कोशिश की थी। जी, ये परिवार पूरी तरह से आक्रोश में है, क्योंकि 10 दिन बीत जाने के बाद भी लाश अभी तक बरामद नहीं हुई है। इस घटना के साथ सबसे टेक्निकल बात यह है, जो आम आदमी को भी जान लेना चाहिए, कि दिल्ली पुलिस सिर्फ उस हद तक लाश की तलाश करती है इस केनाल में, जहां तक दिल्ली की सीमा है। दिल्ली और हरियाणा, ये दो सीमाओं के बीच में बसा हुआ पुल है, और यहां से आगे जाके जब भी नहर के अंदर, केनाल के अंदर लाश की तलाशी लेनी होती है, तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से आम आदमी को, पीड़ित परिवार को गुजरना पड़ता है। जी हां, 15-20 दिन पूर्व हुई एक महिला, रेणु शर्मा नाम की महिला गिरती है मदनपुर खादर से, उस लाश को नदी से निकालने के लिए परिवार वालों को लगभग 5 दिन तक परेशान होना पड़ा। आपको बता दें कि यहाँ दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में जो पुल है, उस पुल के साथ कोई जाल नहीं है, जाल सीधे पलवल में, पलवल यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तब जाके लाश मिलती है जब कोई आदमी हरियाणा से परमिशन लेता है। मतलब एक लाश गिरे, दिल्ली सरकार से परमिशन लो, हरियाणा सरकार से परमिशन लो, तब जाके गोताखोरों की टीम वहां पहुंचती है। क्या ये सवाल नहीं पैदा होता, क्या ये सवाल पैदा नहीं होता है कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि दिल्ली की सीमा पर एक जाल लगाए, सेहतपुर पुल पे लगा दे, यहाँ जो है मीठापुर पुल पे लगाए, कहीं एक ऐसी जगह जाल लगाई जाए जहाँ इस तरह के एक्सीडेंटल पॉइंट से यदि लाशें गिरती हैं, आदमी गिरते हैं, तो उनकी लाश को जल्दी से जल्दी बरामद किया जा सके। क्या इस पीड़ित परिवार का आक्रोश गलत है कि 10 दिन बाद भी इनको लाश नहीं मिल पाई है और प्रशासन के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उल्टा इस परिवार को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? बात करते हैं इनसे। सबसे पहले आप बताइए, आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ है? मेरी मौसी की बेटी है ये, सोनी। सोनी आपके मौसी की बेटी है? हाँ। क्या हुआ है, आज क्या हुआ और इससे पहले अब तक क्या क्या हुआ है? सर, हम 10 दिन से पुलिस वाले हमसे चक्कर कटवा रहे हैं, कभी यहाँ बोल रहे हैं कि कमला महार की ऑफिस जाओ, हेड ऑफिस गए, हेड ऑफिस वाले भी सब छुट्टी पे गए, आईओ छुट्टी पे गया है, एसएचओ छुट्टी पे गया है, इतने दिन से सर 10 दिन से हमसे भाग दौड़ करवा रहे हैं। आज मेरी माँ पे हाथ उठाया लोगों ने, मेरी मौसी पे पुलिस वाले ने। तो किस थाने, किस चौकी में, किस पुलिस वाले ने हाथ उठाया, कुछ पता है आपको? सर, जय जय कॉलोनी का पुलिस वाला अशोक नाम है उसका, एसआई अशोक है, एसआई अशोक, जय जय कॉलोनी वाले ने आपकी मौसी, हाँ। मतलब पीड़ित जो लड़की मर गई, सोनी की माँ के ऊपर हाथ उठाया गया, मेरे ऊपर हाथ उठाया इसने पुलिस वाले ने। मैंने कहा मेरी बच्ची की लाश तो दे दो, मुझे मट्टी तो दे दो, मुझे सर। और उल्टा पुलिस वाले उल्टे उल्टे जवाब बोलते कि तुम भी कूद जाओ उसके साथ, तुम भी मर जाओ जाके। सर छोटी बहन गई है तो यू बोला है तुझे क्या मरी पड़ी, तू भी कूद जा इसमें। और एक पुलिस वाली अभी आई है, वो कह रही मेरे पे हाथ उठाया है, कह रही है इसे भी गाड़ी में भरो, गाड़ी में मारने के लिए, बंद कराने के लिए करी है। ये दिल्ली प्रशासन की लापरवाही से तो लेडीज गिरी है, बच्ची गिरी है, हमारी गलती से तो नहीं गिरी, क्या कर रही है ये? लोहिया पुल पूरा खतरनाक हो चुका है, किसी ने आवाज नहीं उठाई है।
लोहिया पुल पूरी तरह से खतरनाक हो चुका है। सरकार ने दोनों तरफ जो है बैरिकेड्स लगा करके पिलर्स ढाल करके रास्ते को बंद करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाली। जी हाँ, ये मामला दो जगह फंसता है, एक दिल्ली सरकार और एक उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के बीच में। आपको बता दें कि मामला हाईकोर्ट में था और हाईकोर्ट ने एक रास्ता निकाला कि दिल्ली सरकार स्कूल के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को बजट पास करे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में 2,30,00,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। जी हाँ, ये पूरा बजट 4,60,00,000 रुपए का है। 4,60,00,000 की बजट से ये पुल बनने जा रहा है, जिसमें से 2,30,00,000 की रकम सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर कर दी है। यहाँ के लोगों के लिए राहत की बात है कि इस पुल का निर्माण जल्दी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पीड़ित परिवार के लिए कोई भी राहत की बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन के तरफ से इनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। उल्टा इनको डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं जब मेरी बच्ची मेरे सामने जब गिरी तो मैंने कूदा उसमें तो यहाँ पे जब मैंने मेरा फोन वोन सब गीले हो गए, मैंने दूसरे से फोन करवाया। जब पुलिस आई यहाँ पे, बोर्ड भी आई, सब आई, एक डेढ़ घंटा उन्होंने लगा दिया। मैंने बोला अब तो मेरी बच्ची खत्म होगी सब, कम से कम उसको ढूंढवा लो। किसी ने ना तो बोर्ड उतारी है, सिर्फ गोताखोर एक बार कूद के आगे कह रहे कि हमारे पास ना तो लाइट है ना कुछ है, कल आएंगे हम 10 बजे। जब दूसरे 10 दिन 10 बजे आने का टाइम उन्होंने दिया, वो आए 12 बजे। 12 बजे से उन्होंने पल्ला चौक तक ही देखा, उसके बाद आगे नहीं देखा। और साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बच्ची की बॉडी मुझे मिलनी चाहिए। एक बाप सोचता है कि अपनी बच्ची के हाथ पे लेकर दे, लेकिन मुझे बॉडी भी नहीं दे रही है। मेरे बच्चे परेशान हैं, जब कभी कहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं सहयोग चाहता हूँ, मेरी बच्ची को मेरे को मिला जाए, मेरी बॉडी को। पल्ला चौक से आगे बोट क्यों नहीं गई, इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि हरियाणा सरकार में आ रही है, ये हम माने जा सकते, इसकी परमिशन नहीं है। जी हाँ, ये कहानी एक बार नहीं बार बार यहाँ दोहराई जाती है। जब कोई लाश यहाँ पे गिरती है, लाश को बरामद करने की बात आती है, तो यहाँ की गोताखोर टीम इस बात को कह करके अपना पल्ला झाड़ लेती है कि आगे हरियाणा आती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पल्ला पुल के साथ एक जाल लगाई जाए या सेहतपुर पुल के साथ एक जाल लगाई जाए, ताकि दिल्ली में होने वाली घटनाओं को दिल्ली में ही रिकवर किया जा सके। अब दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच का खेल एक पीड़ित परिवार कितने दिनों तक खेलता रहेगा, सबसे बड़ा सवाल है ये। बहरहाल जो कुछ भी यहाँ पे हुआ, सुबह से लेकर के काफी हंगामा था, हालांकि हंगामा अब थम चुका है। और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंची और पूरे घटनाक्रम पे नजर रखे हुए है पुलिस, और उसने जो है पूरे घटना को देखा, समझा और उसके लिए उचित कार्रवाई करने की भी बात की। स्थिति अभी नियंत्रण में है, पीड़ित परिवार भी लगभग संतुष्ट है, उनको जो आगे बात बतलाई गई है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और आपको बता दें कि अब यह हंगामा थम चुका है। मैं अपने सहयोगी हनी सहगल और कैमरा पर्सन कुंदन कुमार के साथ धनंजय चौबे, हुंकार 24/7, बदरपुर, नई दिल्ली।